हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसी बॉटल जिसमें क्या भर रखी है, आइस भर रखी है। कोई ऐसी बॉटल जिसमें आइस भर रखी है, अगर हम देखें तो ये आइस वाली बॉटल में होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद अगर हम देखें, अगर हम इसको ऐसे ही रखें तो इसके जो बाहर वाला सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, अपने आप जो आपका पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इसके सरफेस के ऊपर अपने आप ही इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अब इसके पीछे का हम कारण समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो पानी की बूंदें इसके बाहर इकट्ठी हो रही है वो सिर्फ तभी इकट्ठी हो सकती है अगर ये बॉटल में क्या हो, कोई छेद हो, या इस बॉटल क्या हो, कोई फटी हुई बॉटल हो, तब अंदर का पानी कहाँ निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। तो होता क्या है बेसिकली कि एक ऐसी बॉटल जिसमें क्या भर रहे हैं, आइस क्यों भर रहे हैं, तो हमने देखा कि अपने आप क्या हो जाता है, इसके सरफेस के ऊपर, बाहर वाले सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। तो अब हम इसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फियर है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली जो आपके ओशियंस होंगे, रिवर्स होंगे, उनसे क्या होती रहती है, इवेपोरेशन होती रहती है। तो वो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में होने की वजह से वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि उनको दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आपके एटमॉस्फेयर में वो होंगे गैसियस फॉर्म में। वो कौन सी फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। तो अब होगा क्या, जब वो कंटिन्यूसली क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे तो जब वो इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे या क्या करेंगे, इस बॉटल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, अब बॉटल के अंदर का टेम्परेचर है बहुत कम, वेयर एज जो ये गैसियस पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जीज क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे और इसके सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे या इसके सरफेस के साथ टकराएंगे, तो बेसिकली होगा क्या, ये पार्टिकल क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इस बॉटल को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस बॉटल में जो बर्फ है अंदर उसका टेम्परेचर है कम, और जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं जो गैसियस स्टेट में है उन पार्टिकल्स की एनर्जी है ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा कि जो गैसियस पार्टिकल है उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है और सॉलिड पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो सबसे कम होती है। तो उसकी वजह से होगा क्या, जब ये एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स आपके मूव कर रहे होंगे, जब वो इस बॉटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इसकी एनर्जी कम होने की वजह से ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल लॉ कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के लिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या आती है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है और उनमें क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो जब ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, तो इनको आगे कौन दिखेगी, बॉटल दिखेगी, इनको आगे कौन दिखेगी, बॉटल। और जब ये बॉटल के सरफेस के साथ टकराएंगे, जब ये बॉटल के सरफेस के साथ टकराएंगे या इंटरेक्ट करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, बॉटल को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बॉटल का टेम्परेचर है कम और इनकी एनर्जी है ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हैं तो इनकी खुद की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉली पार्टिकल्स होंगे, वो क्या आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फेज़ में थे, वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस बॉटल के सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि एक सिंपल रीज़न है, अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने लग जाते हैं, और जब हम किसी सिस्टम से एनर्जी को निकालते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाते हैं, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है। तो जब ये गैसियस पार्टिकल क्या करेंगे, इस बॉटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, बॉटल को ट्रांसफ़र कर देंगे, और इन बाहर वाले जो वेपर्स थे इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होने की वजह से ये क्या आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।